सुंदर एक एक वचन, बहुत ही ज्यादा सुंदर एक वचन है। तो 23वां वचन के बाद लोग ये वचन से बहुत प्रीति रखते हैं, बार बार गाते हैं, इसके ऊपर कितने गाने लिखे गए हैं। तो हमने भी कितने बार इसको पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। और परमेश्वर के जन को हिम्मत देने वाला और तसल्ली देने वाला और शांति देने वाला बहुत सुंदर एक वचन है। तो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा मनन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये वचन अच्छी तरह जानते हैं। हम पिछले दिनों में सुन किया है, परमेश्वर की सपनाएं है हमारे बारे में। हम सिर्फ पाप क्षमा प्राप्त कर कर नरक से बच कर स्वर्ग में रहने के लिए चुन लिए हुए लोग नहीं है। ये बात हमने देख ली है। प्रभु चाहता हम दास बने और वहां से भी बढ़कर हम क्या बने, हम पुत्र और पुत्री बने। ये बात हमने देख लिया। पुत्र और पुत्री का स्वभाव दास के स्वभाव जैसा नहीं होता। तो मुझे हंसी आता कभी कभी मेरा स्वभाव के बारे में सोचकर, तो दास से भी नीचे अथवा प्रीति से इसे मैं एक्टिंग करता और बोलता मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्री हूँ। पुत्र और पुत्री का जो 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 तरीका अलग है, उसका बर्ताव करने का तरीका अलग है। ठीक है, वो प्रभु चाहता और प्रभु की चाहत ये हुई है कि वहां मैं रहूं जहां प्रभु अपने वासस्थान बनाना चाहता, उसी पर्वत पर प्रभु हमें रखना चाहते नहीं है। और बाद में प्रभु ने हमें समझाया कि उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि तुम पर्वत पे सिर्फ वास करते रहो, पर्वत को अपनाओ, नहीं है, पर्वत को अपनाओ। ऐसा प्रभु ने हमें शिक्षा दिया, प्रभु का हृदय का आग्रह प्रभु ने प्रकट किया, नहीं है। तो वैसे वो जानते तो हम प्रभु के वचन से सीखा कि वैसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता है। परमेश्वर तो हमें सदा प्रसन्न करते रहता, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज फिर बाद में प्रभु इधर आए, हमारा चेहरा देखकर प्रभु प्रसन्न होगा। प्रभु बोलेगा किधर आया भाई मैं, प्रभु ये कलीसिया में आएगा तो उसको लेकेगा क्या, ये उसकी दुल्हन के पास आया है, मुझे डाउट है। प्रभु को प्रसन्न करने वाले होते हैं ऐसे लोग, नहीं है। और जो प्रभु को प्रसन्न करता, प्रभु भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करता, नहीं है, छुपाकर नहीं रहता। प्रभु की दिलचस्पी है एक व्यक्ति के ऊपर, अगर प्रभु प्रसन्न है उसकी प्रसन्नता वो प्रकट करके दिखाएगा। ये बात प्रभु ने हमें समझाया, जब प्रभु अपनी प्रसन्नता प्रकट करता हमारे सामने राजा लोग भी झुकेंगे नहीं। ये बात प्रभु ने हमें 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 सिखाया, नहीं है। हमारे सामने बड़े समस्या है, बड़े 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 बड़ी बात भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होता, हम उसके ऊपर प्रबल होता, नहीं है, हम प्रबल होता है। ये बात हम सीख के आया। कभी कभी जब ऊंचाई में खड़े होता है घूम करके नीचे गिरता है। ये हुआ मेरे साथ गुरुवार को, तो मैंने इधर आकर कहा दुश्मन तेरे नीचे बाग में घुस चुके हैं। ये पाकिस्तान की सेना, माफ करना, कौन सा भी देश का सेना, पाकिस्तान ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए ना। सेना के कुछ लोग चालाकी से सीमा पार कर कर अंदर आते हैं, नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, बोलते नुड़ेंगे कहीं, जब आमने सामने लड़ाई है ये चीज होता। राजा लोग झुकते हैं, कुछ कुछ बड़े 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 समस्याओं के ऊपर मैंने सामर्थ्य पाया है, जीत पाया है, लेकिन दुश्मन चला गया, दुश्मन चला गया। वो निर्दोष दिखाते हैं, निष्कलंक दिखाते हैं और पीछे से पूछते हैं। जब मैं सन्डे स्कूल में था तब मुझको इसे सिखाया गया
और मैंने आपको सिखाया कि पवित्र शास्त्र में सारे रक्षा कवच है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। टोप है, वहां से बहुत सारे चीज है, लेकिन हमारे पीछे भाग में कुछ है ही नहीं है। कितना बार मैं इधर बात किया है और आप ऐसे देखते जैसे कि पहली बार सुनता है। हमारे पीठ को रक्षा, पीठ की रक्षा करने के लिए कुछ भी चीज नहीं दिया, प्रोटेक्टिव डिवाइस आपने सुना ही नहीं सुना क्योंकि मैं बोला भी नहीं होगा। सुना हो कुछ लोग है, कोई है इधर मुझे कुछ करने के लिए, कुछ लोग बोलेगा आपने सुना, आपने सुना। ये सारे प्रचारक लोग, सारे उपदेशी लोग, सारे पास्टर लोग, सारे अच्छन लोग, सारे 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 लोग ये बोलता रहता है कि पीछे हमें हमारी सुरक्षा के लिए कुछ दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया वो भी मैं आपको बताया, और आप बोलता नहीं है, मुझे गुस्सा आता है, दुख आता है, इसलिए नहीं दिया। परमेश्वर के जन से ये उम्मीद नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के जाए। तो हमारे सामने से दुश्मन जब तीर चलाता है, हथियार चलाता है, उससे हमें बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सारा उपाय किया गया है, नहीं है? पीछे इस दिशा में दुश्मन घुसता होगा, नहीं है? चुपचाप। चोर हमेशा बैल मार के नहीं अंदर आता, कभी कभी आता। हाँ, हम लोग पागल हो गए, हम लोग मूर्ख हो गए। दुश्मन ऐसा सामने से आता तो भी हम उसको पहचानते नहीं है, हम उसके रहते हैं। बाबी एक गिलास पानी मिलेगा, हाँ पीने के आती हो, नहीं करता है। कितने घर में ऐसे चोरी होता है, दुश्मन को दूर से पहचानना, उसका गंध पहचानना है हमें। पैसा भी दुश्मन मुझको कई बार फंसाया है, लेकिन ज्यादातर वो चोरी से आता है। इसके लिए उसका नाम यीशु ने रखा है, वो चोर है, नहीं है? वो चोर है, पता नहीं चलता, घुसता नहीं है। लेकिन यहां बड़ी मुझे तसल्ली देने वाली बात इधर लिखा है, तुमको उसने पूरा पूरा उसका अदृश्य पंखों से ओढ़ कर रखा है, नहीं रखा है, नहीं रखा है। जो परमेश्वर पे भरोसा लेकर चलता है, नहीं है, सर्वशक्तिमान की छाया में वो ठिकाना पाएगा, नहीं, नहीं है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उनके परों के नीचे शरण पाएगा। तब हमें परमेश्वर के जन जब लड़ाई के लिए निकलता है, जब सेना की सामना करता है, प्रभु चाहता कि हम ऐसे दास लोगों के जैसा ना रहे, हम शिशु के समान ना रहे, हम बड़े हिम्मत से, नहीं है, सर्वोच्चा करते हुए। हमने पिछले दिन सुना उसका सिंह जंगली सांड का सा ऊंचा करते हुए हम चलते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे दुश्मन चालाकी से घुसता या हमारी कमजोरी के घड़ी का फायदा उठाता, जब मैं परमेश्वर की ओर देखता, मैं देखूंगा मुझको सार चारों तोर से घेर कर रखा है प्रभु की सेना। There are moments in my life when I cannot handle this alone. When my faith fails, जब मेरा विश्वास कमजोर जाता, जब मैं हिम्मत हारता, तब प्रभु की सेना हाजिर है। No child of God is called to wage a war if the heavenly hosts are not made ready as a backup. कोई भी परमेश्वर के दास और दासी को प्रभु लड़ाई के मैदान में उतारता नहीं है जब तक स्वर्गीय सेना को वो तैयार करके नहीं देखता। In case I need.
अब हमें दूतों की सहायता की जरूरत पड़े तो हाजिर होगा, दूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु के चाहत है मुझसे लड़वाना है। आमें। आमें। मुझको जितवाना है, नहीं तो मैं शिशु है। लेकिन जब मैं बलहीन हो जाता, कमजोर हो जाता, पैर फिसलने लगता, डर लगता, तब अगर मैं मेरा आंख ऊपर उठाओगे, पुकारोगे तो मैं गुरुवार को पूछते रहा, ये क्या बेवकूफ की तरह बोलता है, प्रभु दुश्मन तेरे निज बाग में घुस चुके हैं। अरे पागल रुखाने का था क्या, क्या शब्द थे मुझसे यार, प्रार्थना करके नहीं आया होगा। पागल को पागल ही बोलते ना, शब्द ये बोलने से क्या उसका मतलब क्या है पता है, प्रभु मुझसे थोड़ा भूल हुआ है, अभी संभाल, अभी संभाल, वो ये ऐसा नहीं है अभी सब मिट गया वो बोलने के लिए नहीं है। हम लोग ऐसे प्रार्थना किया इधर, अरे तब परमेश्वर की सेना उतर कर आता, मिखाएल और खपड़ी उतर कर आता, इसलिए हिम्मत है, अबे हारता नहीं है, हारता कभी कभी, अबे उसमें से धोखा नहीं खाता, रोज खाता मैं। लेकिन मैदान को क्यों नहीं छोड़ता भाई, मैदान को क्यों नहीं छोड़ता, मुझे पता है प्रेयर गार्ड है, मेरे प्रभु से जो पाया है मैं मलयालम में सुनता, लेकिन कल मैंने इंग्लिश में सुना तो थोड़ा मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता है। आई एम योर रियल गॉड, पीछे से तुझे संभालने वाला सेना मैं हूं। मैं मुझे पता नहीं है बाइबल में, ढूंढा तो है, ढूंढा तो है, प्रभु ऐसा मुझको आगे नहीं छोड़ता, सारे सुरक्षा का सारे उपाय कर कर मेरा पीठ को ऐसा कुला कर कर छोड़ता तो हालेलुया, पीछे से मुझे संभालने के लिए स्वर्ग दूतों को उसने आज्ञा दिया है, नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे, लेकिन कभी कभी मैं पीछे मुड़ता, अबे नहीं तो चाला किसी दुश्मन मुझको गायब करता, अबे सेना है जो नाराशी में डूबता वो इसको नष्ट कर देता, अबे जो परमेश्वर का बल पे आश्रय नहीं रखता वो इसको नष्ट कर देता। मैं कभी कभी कुछ कुछ चीज इधर आके बोलता है तो आप लोग बहुत ही ज्यादा नाराश हो जाती है, पता नहीं ये सब क्यों होता है। मैं ये बात कहता जो बात मेरे साथ था, मेरे पास साथ था, और मैं ऐसे जो कमजोरी से गुजर था ये बात मैं आपको कहता तो आप साथ में रोने के लिए नहीं कहता था, प्रभु का बल दोबारा धारण करने के लिए कहता। मैं पिछले दिन भी कुछ बात कहा, मैं हंसता था कल रात को वो सोच के, ओ भूत भी बोलते ना, तो मैं बोला ना क्या क्या बोलता था, क्या क्या बोलता था, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं झुक गया, कुछ लोग बोलते भी ऐसे कुछ, अरे छोड़ यार, हम कौन है, हम प्रभु के संतान है, मुझ में अभिषेक की कमी है तो भी मैं उसका बेटा हूँ, मुझ में वरदान कुछ भी नहीं है, मैं उसका संतान हूँ, उसका लहू का खरीदी है, वो मुझको नाराज नहीं करता। मैं प्रार्थना कर कर आपका सर दर्द बढ़ता तो भी मैं कहूंगा मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझ में वरदान नहीं है भाई, सब बच्चे फर्स्ट रैंक में पास होते हैं क्या, तो बच्चे नहीं होता, बच्चे नहीं होता, वो मुझको नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं है, तो भी मैं परमेश्वर का, अरे शैतान को कभी मौका नहीं देना हंसने को, शैतान को कभी मौका नहीं देना, लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के जन का सींग तो ऐसा जंगली सांड जैसा दूर से छिला कर भागना चाहिए, नहीं है, नहीं होता, सामर्थ नहीं है, तो भी मैं परमेश्वर का मैं गेरा गया है, स्वर्ग दूतों से गेरा गया है, मैं कभी अकेला चलता नहीं है,
मैं कभी अकेला चलता नहीं है, लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए। सब वचन मैं इधर भी नहीं पढ़ता उधर भी नहीं पढ़ता, उसके लिए मेरे आंख खोल दिया जाना चाहिए। इसलिए एलीशा कहता है इसका आंख खोल दे प्रभु, इसका आंख खोल दे। जब तक आंख नहीं खोल दिया जाता तब तक अब दुश्मन के वश में है। आप तेरे ध्यान से सुनो, जब तक ये चीज को मैं रियलाइज नहीं करता, जब तक ये चीज को मैं जानता नहीं, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है अहंकार का शब्द जानने वाले लोग, समझने वाले लोग धन्य है। नहीं है राजा का घोष जो है उसको पकड़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ तो कुछ कुछ बात कर रहा है। नर्सरी क्लास तो कब का खत्म हो गया, नर्सरी के बाद ये वचन से कितना अच्छा भाषण दे सकता है ये लेके। मैंने सुना कितना भाषण, मैंने कितना भाषण दिया है बचपन में, कितना सुंदर भजन है वो लेके। ऐसे से भाषण देने वाला क्या पास्टर है मां, अभी सैले क्या करेगी, इधर आया तो सहना पड़ता है। जो उसको समझता वो उसको अपनाता। ये सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसको समझना और उसका अंगीकार करना आवश्यक है। समझ में आ रहे? अगर ऐसा है तो यहां लिखा है कि अंधेरे में फैलने वाली जो बात है सामने सामने नहीं आता, कभी कभी सामने सामने नहीं आता, चालाकी से घुसता दुश्मन। हमें लगता है कि इतना सब ठीक है, उससे ज्यादा कुछ आपत्ति नहीं है। अरे बेवकूफ, वो घुस रहे हैं तेरी महिमा, तेरा स्वर्गीय प्रेम छिन लिया जाता है, छिन लिया जाता है। जो भी चीज हमारे जीवन में होता है आते हैं शैतान, हमें गलत मार्ग से ले जाना चाहता है, गलत एक निर्णय लेने पे निर्बंधित करता, ये गलत चीज चुनने में निर्बंधित करता। हमें तुरंत पता चलेगा कि ये मेरा एक टेस्ट है। मैं बच्चों को बताता था, मैं भी संडे स्कूल सिखाता था, कुछ लोग विश्वास नहीं करता। मैं संडे स्कूल में पढ़ता था, वही समय में मैं संडे स्कूल सिखाता भी था, उसके बाद में भी सिखाता था बच्चों को पढ़ता। बच्चे जानना बहुत आसान है, प्रभु के हित के अनुसार एक कदम लेता और प्रभु की ओर खींच लिया जाता, स्वर्गीय प्रेम आ जाता, दुनिया से नफरत होने लगता। दुनिया से नफरत बोले तो आपसे वैधभाव नहीं, दुनिया की कौन सा भी चीज मुझे बड़ी कीमतीवान नहीं लगता। परमेश्वर का वचन के लिए मुझे इतना दाह, इतना 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 दाह होता, इतना प्यास होता, इतना भूख होता, मैं प्रभु के ओर खींच लिया जाता, प्रभु की खुशी में मैं आगे बढ़ता। जो भी चीज इसको घटते कम करते हैं घटाते हैं, तभी मुझे पता चलना चाहिए कि मैं प्रभु की इच्छा से नहीं चलता। ये समझने के लिए बहुत, जब एक राह में चल के जा रहा है कि आधा रास्ता चल के अब मुझको लगता कि मैं प्रभु से थोड़ा दूर हो रहा है, प्रभु का वचन के लिए, प्रभु को उपस्थिति के लिए, प्रार्थना के लिए, स्वर्गीय प्रेम के लिए मुझ में अभी स्थान कम हो रहा है, तुरंत पता चलना लौटना है मुझे। स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी जीवन में अगर है तभी पता चलेगा दुश्मन घुसते हैं क्या नहीं घुसते हैं। तो परमेश्वर के दास को कैसा पता चला तेरा निज भाग में दुश्मन घुसा है? अनेक रीति से वो घुसता, कभी कभी सामने आता है, कभी कभी सामने आता है। सामने आके जब लड़ता है थोड़ा आसान है, चालाकी से जब लड़ता है तब बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता, कभी कभी हम ही डर के कारण, कभी कभी हम ही अविश्वास के कारण दुश्मन को पीट दिखाते भी हैं, पीछे से आके मारते हैं, कभी कभी हम पीट दिखाते हैं। दोनों अवस्था में जब हम इस चीज को समझेगा कि प्रभु उसके आड़ में हमें ले लिया है और उसके परों के नीचे हम शरण पाते हैं, ये बात को जब समझता बात बदलता, तो बोलते दुश्मन है, दुश्मन है, यही चालाकी से उन्होंने अनेक लोगों को गिराया है, अनेक लोगों को गिराया है।
आते हैं, यही चारा कैसे बड़ी दुख की एक बात यार, इधर से बोलने को मेरे को बुरा लगता है, इधर अच्छा अच्छा बात बोलना चाहिए। बड़ी बड़ी दुख की बात कल उसमें आया था कि व्हाट्सएप में आया था फोटो के साथ, केरल में बहुत अच्छा एक पास्टर है, नाम नहीं पूछने का, तो उसकी बेटी बड़े जाने माना वर्शिप लीडर है, क्या है वर्शिप लीडर है, बहुत अच्छा वरदान प्राप्त है उसको, भविष्यवाणी देते हैं और वो वरदान प्राप्त है, वो एक काम किया तो पास्टर उसका परिवार भी टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ है, वो बाकी तो ऐसा तो ये सब क्यों होता है बता आपको, शैतान चालाकी से भय रखता तभी परेशानियां है, वो प्रभु को नहीं जानती, जानती वरदान नहीं प्राप्त प्राप्त था, विश्वास में नहीं था, था। अरे शैतान चालाक है, वही हमारा दुश्मन है, आधा पैर भी रख रहे उसको नहीं देने का, दुश्मन हमारा जीवन में प्रवेश करता, प्रभाव डालता, वो आप एक झूठ बोलता, आप एक किसी को मारता, आप किसी के साथ झगड़ा करता, ये बात नहीं है, आपका जीवन का कंट्रोल धीरे धीरे उसके वश में, उसके हाथ में आ जाता, ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। इससे जब मैं पीड़ित होता परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत दिलाता, बोलते नजर उठाओ नजर उठाओ नजर उठाओगे तो पता चलेगा सेना तैयार है, पुकारो उसके आश्रय में रहो, get back to him, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पश्चाताप करके उसको भुलाना है, वो समीप है बिल्कुल निकट है, ऐसा प्रभु का वचन कहता, ऐसा प्रभु का वचन कहता, कोई भी परमेश्वर का दास या दासी, कोई भी परमेश्वर का संतान को दुश्मन का हाथ में आकर मिटने की जरूरत नहीं है, कितना भी बड़ा गलती मैंने क्यों भी नहीं किया हो, प्रभु कहता हाजिर हो मैं, अब मेरी सेना तैयार है, पुकारोगे तो, मैं मेरा गलती मानने को तैयार नहीं है, मैं परमेश्वर के सहारे पे अपने आप को करने के लिए तैयार नहीं है, और मैं मानता भी नहीं है दुश्मन है, हम जो करता हूं सब हमें सही लगता, मैं चिल्लाता मुझे सही लगता, मैं गुस्सा करता मुझे सही लगता, मैं झगड़ा करता मुझे सही लगता, आप कैसे छुटकारा पाओगे, मेरे जीवन में मैं छुटकारा नहीं पाते तो ये बात है। शैतान जब मेरे ऊपर प्रभावित होता वो बंद करने को मुझे सीखना है, 3 साल से प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरा मुंह बंद करके रखने के लिए तू सहायता कर, प्रभु से प्रार्थना करके कुछ फायदा है, मुंह बंद करो ना, मुंह बंद करना बोलेगा तुम्हें चुप जाता नहीं जाता। अभी आप मेरे सामने आके बोलते हो कुत्ता है तो अरे मेरे कुत्ता दिखता है मेरे को, ऐसे को पूछेगा मैं, नहीं नहीं है आपकी दृष्टि में मैं कुत्ता है तो क्या प्रॉब्लम है, एक कुत्ता का क्या भाव है मालूम है कि अच्छा कुत्ता है, इंसान को कोई पूछता नहीं, इंसान को कोई पूछता नहीं, समझो मैं शादी करने के लिए जा रहा हूं, मैं लड़की हूं, सबको लड़की अच्छा लगता है, लड़की लोग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है तो मैं लड़की बनता हूँ दो लड़के, और मैं लड़का शादी कर, लड़के को हाइट देखता वेट देखता और कमाई कितना पहले वो देखते हैं कमाई कितना देखते हैं उसको, जो आस्ते लुक बुक में कोई मतलब नहीं है, कमाई चाहिए है तो 2 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, इतना ही पूछता है, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तू किधर रहता है, बस इतना ही पूछेगा उससे ज्यादा नहीं। कुत्ता को कहेंगे तो क्या करते मालूम है, उसका बाप बोलता, उसका बाप का बाप बोलता, उसका बाप का बाप, पूरा पेडिग्री नहीं मालूम आपको, अरे इनको पूछो कुत्ता ऐसा अच्छा कुत्ता ऐसा कोई नहीं, उसका पूरा सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ पूरा पेडिग्री, आप जाकर अच्छा दुकान पे जाकर कुत्ता खरीदना पूरा दिखाएगा तो कुत्ता का वैल्यू मालूम पड़ा आपको। अरे कोई कुछ भी बोलने दो ना यार, कोई कुछ भी बोलने दो, आपको क्या कहता है, आप नजर उठा के देखेंगे तो पूरा सेना दिखाई देगा आपको, परमेश्वर का अनेक लोगों ने ये देखा है, अगर परमेश्वर के लोग आज भी ये सेना को देखता मैं भी देखूंगा,
अमीन। तलवार लेकर खड़ा हुआ मिखाएल का दर्शन अगर कुछ लोग देखता तो मैं भी देखूंगा, आप तक नैनों से देखूंगा, आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, दुश्मन मेरे बारे में कुछ भी सोचने दे, मैं जानता फोन मेरे समीप करा हो, मुझे पहचानना है उसको, मुझे उसको पहचानना है, गिरना है प्रभु के चरणों में गिरना है, तुरंत मेरा उद्धार, मेरा मेरा उद्धार होता मेरा रक्षा। यहां लिखा है कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत तू देखेगा। तू ऐसा अवस्था में नहीं था लेकिन तू देखेगा क्योंकि परमेश्वर तेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रभु चाहता कि हम लड़ाई के मैदान में उतरे और दुश्मन से निपट ले, उसे लड़ते रहे, सर ऊंचा करते रहे, लेकिन प्रभु ये भी जानता कभी कभी इसका पैर फिसलता है, कभी कभी ये झुक जाता है, कभी कभी वो डर जाता है, नहीं है प्रभु की सेना तैयार है, देयर इज अ रियर गार्ड, प्रभु कहते पीछे सुरक्षा का प्रबंध किया है, पीछे से प्रभु सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। वहां लिखा है कि क्योंकि कैसे है अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया, पहले क्यों नहीं आज्ञा दिया है, आज्ञा दिया है लेकिन दूतों को मेरे जीवन में घुसने का जरूरत नहीं है क्योंकि दूत मेरा सेवक है और मैं परमेश्वर का बेटा हूं। परमेश्वर की दृष्टि में दूतों से बढ़कर स्थान मुझको है, मुझको है। इसीलिए जब दूसरा लड़का वक्ता नहीं कहता तूने इतना बड़ा अपराध किया है, तू अब आउट हाउस में रह, एनेक्स होता है नौकरों के लिए, वहां रहना नहीं है, वो भी तुझे देना नहीं है क्योंकि तू उसका लायक नहीं है, नहीं है भाई, तू पश्चाताप करके लौटा, ये तो पहले से ज्यादा महिमा, पहले से ज्यादा सामर्थ्य, पहले क्या कुछ अंगूठी देता वो अंगूठी मैं तुझे पहनाऊंगा। दूतों को आज्ञा Heaven cannot helplessly witness a child of God being destroyed by the enemy. स्वर्ग ऐसे देख के निस्सहाय खड़ा नहीं रहेगा जब वो उसके संतान शैतान की ओर से मिटाया जाता है। तुझे वो हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा क्यों है भाई, मैं बड़ा योद्धा हूं, छूट लेगा। ये सब प्रचार करने का विषय ही नहीं है, प्रचार करना तो आगे जाके लड़ना, लेकिन मेरा जैसा अगर एक व्यक्ति कलीसिया में है जो गिरता, जो मार खाता, जो घायल होता, फिर भी समझता प्रभु संग है, उसके लिए ये वचन है, वो उठा लेगा, नहीं है हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाओ में पत्थर से छेस लेंगे। ये सारी चीज किसके विषय में कहता है, यीशु के विषय में हमने सीखा था नहीं सीखा था, यीशु के विषय में, इसलिए शैतान आकर यीशु को कहता है तेरे विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, नहीं कि तू यहां से कुदी मार, तेरा पैर पत्थर से पकड़ेगा नहीं, क्योंकि दूत लोग तेरा तो शैतान मुझसे ज्यादा वचन को समझता है, ये लज्जा की बात है। Satan knows provisions for a child of God as laid out in the scriptures. पवित्र शास्त्र में हमारे लिए प्रभु ने जो जो प्रबंध करके रखा है ये बात शैतान जानता, हम नहीं जानता, इसलिए प्रभु को वचन में लिखा है मेरे जन नहीं जानते, इसलिए वो मिट जाते हैं। शैतान आकर यीशु को सही बात बताए, अगर यीशु के बारे में है आपको शक है तो आप देखो, आप नीचे आओ, ए यहोवा तू मेरा शरण स्थान तेरा है, तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, ए यहोवा
तू मेरा शरण स्थान है और तूने परम प्रधान को अपना गांव बनाया। मतलब हे यहोवा, हे यीशु, तू मेरा शरण स्थान है, तू पिताजी को, पिता परमेश्वर को तेरा गांव बनाया। इतने सीधे बात करना यार, ये समझने के लिए किधर जाना, परेश में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बहुत सरल आकाशवाणी आया तो तेरी रक्षा करे उसके लिए आज्ञा दिया है। ये संहिता यीशु के विषय में संहिता संहिता हम देखते काम गेतसमनी में देखता नहीं है, दूध लोगा था नहीं है, दूध लोगा था नहीं है। अब लोग मेरा मोह से क्यों देखते हैं? जब परीक्षा करता सिद्धांत दूध लोगा था अब है अब है अब है अब है अब है अब है यीशु की बलहीनता के गड़ी में, कमजोरी के गड़ी में अगर दूध लोग उत्तर कराता मैं उससे भी कमजोर इंसान। हालेलुया, मेरी सेवा में वे हाजिर है। यीशु विनती करता था क्या पिता परमेश्वर से? करता था। बाइबल में लिखा है उसने चिल्ला चिल्ला कर रो कर प्रार्थना किया और पिता परमेश्वर से उत्तर पाया। अगर यीशु भी सहायता मांग सकते तो मैं उससे ज्यादा ऐसे ज्यादा नहीं है। अरे 15 वर्ष का लड़का बोलता है मेरे को मम्मी मेरे को भूख नहीं है थोड़ा खाना खिलाओ, ऐसा बोल सकता तो 3 वर्ष का लड़का नहीं बोल सकता क्या? क्या उदाहरण, बिनु भैया नहीं है, आप नहीं समझे इतना। मैं केरल में एक शादी के लिए गया था, वो लड़का 28-30 वर्ष का है तो उसकी मम्मी उसको खाना खिलाता है। मेरा मम्मी ने वो 1.5 वर्ष में कुछ खिलाया था उसको। कुछ लोग बड़े लकी होता है। मेरा एक आदत था मानो भाई आज का मत डालना यार, मेरा एक आदत था स्कूल में जाते वक्त जाते जाते वो दोस्त लोगों को इकट्ठा करके जाते एक एक करके, मैं जल्दी सब चीज में जल्दी है ना, एक प्रार्थना में आने पर लेट होते हैं तो सारी चीज मुझे जल्दी है रखा दू, मैं जल्दी निकल अच्छा क्या थॉमस आना थॉमस, तो थॉमस तैयार हो रहा है तो मम्मी उसको चड्डी डाल के देते, शर्ट का बटन डाल के देते, लेकिन उसे हाथ में सोचते ये लोग भाई क्या कैसे लोग ये लोग यार। और दूसरे गोपाल आना गोपाल 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 तो सर पोछ के देते उसको पा उसको किसी लड़के अब तो 3 वर्ष में इतनी बढ़ लगी। कुछ लोग बड़े लकी होता कुछ लोग बहुत लकी होते, मुझे शर्म लगता है इससे। सॉरी 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 आप लोग का ऐसा फायदा है तो ले ले। अरे इंसान बन के जीना यार, मर्द बनना मर्द बनना, ये सब प्रकार की चीज है। चलो चलो जब ये होता तुरंत वातावरण बनता, तुम्हें वो हाथों हाथ उठा लेगा, अरे तू दोबारा सिंह को कुछ लेगा, तू गिरा हुआ इंसान है, तू पीछे हट गया इंसान है नहीं है, नहीं लिखा है क्या? दूध लोगा कि कुछ लेगा लिखा है। अब इसलिए मैं कहता मैं कभी भी पराजित होकर नहीं रहेगा, स्वर्ग दूत लोग है मेरे सेवा में। अबे there is a real God, पीछे से सुरक्षा बल है रक्षा बल है। प्रभु का वचन कहता दोबारा कुछ लेगा, दोबारा कुछ लेगा नहीं है, पहले से ज्यादा। अबे when I recover it will be a resurrection for me, hallelujah, जब मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा पुनरुत्थान का सामर्थ्य खड़ा हो जाऊंगा। आपका बाइबल में ऐसे लिखा है ना कि जवान सिंह राजगढ़ को भी दहाड़ेगा। पहले उधर से एक तीर आता था, इधर से डराने वाले कुछ बात आता था, उसके कारण भय चकित होकर तो गिर पड़ता, लेकिन आप थामा गया है परमेश्वर के पंखों के आड़ में सुरक्षित रखा गया है। स्वर्ग दूतों ने आपको उठा लिया है, तब बड़े हिम्मतवान होकर अब पहले जो किया उसे कई गुना ज्यादा करोगे। कोई गलत चीज बोलने वाला आप रिकॉर्ड
मुझे कभी कभी लगता है कि मन लोग आपका मन दुखी करे, लोग आपका विरोध करे, लोग आपकी निंदा करे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस बारे में बहुत अच्छा। अगर हम साधारण रीति से प्रभु के समीप प्रभु के करीब चलता, ये वही सब कुछ होता। आप मैग्नेट जैसा खींचता वही सब प्रभु आपको खींच लेता। You will never stand at the same plane where from you have fallen. तो जिस स्तर से गिर गया उस स्तर पे दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा। You will always stand. So I invite you to blame me. मैं आप लोगों से आह्वान करता कि जितना हो सके मेरी निंदा करते जा, अगर हो सके करते करो गाली। देख तू कौन सा परमेश्वर के दास, तू कितना इंसान, तू कैसा पास्टर बन गया, पूछ मुझको, मुझको अच्छा लगता, पूछ मुझको अच्छा लगता। तब आप देखोगे, तब आप स्वर्गदूतों का हाथ को देखोगे, मैं अच्छा हूं इसके कारण नहीं है, मैं भी लहू की गरीबी है। परमेश्वर की लहू की गरीबी उसके लिए कितना कीमती माने, मैंने कई बार देखा, कई बार देखा है, आप भी देखोगे। कहते देयर इज अ रियल गॉड, स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कहता आपको पीछे के पीछे से सुरक्षा बल है, पीछे से सुरक्षा बल है। मैं सच कहता, मैं कल प्रार्थना किया, प्रभु लोग मेरे विरोध में बात करने दे, लोग मेरी निंदा करने दे, मुझको पूछे तू कौन सा दास है, तू कैसा दास है, तू कौन सा, तुझमें थोड़ा सा भी ताकत है क्या, तू किसी एक मूंगी को भी चंगा किया है या नहीं किया है, और मैं बोलूंगा नहीं किया। लेकिन तू परमेश्वर के बेटे हो, तू परमेश्वर की बेटी हो, सुरक्षा बल खड़ा है, हमें तुझमें बल नहीं है, ठीक है भाई, सुरक्षा बल है हमें, ये सही है सुरक्षा बल। हाँ मैं सोचते रहा उसके लिए क्या बोलूं, सुरक्षा बल बोलूं क्या, रियर गार्ड को क्या बोलूं, पीछे से रक्षा का दल है, सेना है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए समय नहीं है, अभी हम इनसे बात मिला नहीं है। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि। अरे हमने पिछले द्वार को ये नहीं सुना, ये नहीं पढ़ा, मैंने पिछले द्वार को सुना, राजा लोग तेरे सामने आकर झुकेंगे, भैया है, लेकिन कुछ लोग झुकते नहीं है, क्योंकि वो देखते तो तू क्या पास्टर है, तू एमए वर्गीस नहीं है, नहीं है, तू तंबू ब्रदर नहीं है, तू बेकार में ये कुछ भी आता नहीं, सारा झूठा इंसान, बेकार इंसान है, तू कहीं का पास्टर है, तो राजा क्या नौकर भी नहीं झुकेगा, अबे लेकिन परमेश्वर कहता हम है, तू मेरा बेटा होने के नाते हमें कमजोर जरूर है, मैंने आज्ञा दिया है, मैंने आज्ञा दिया है, तू आज्ञा देना चाहिए था, अमें यू फील्ड बट आई हैव स्टूड ऑन योर बिहाफ, मैं तेरे ओर से खड़ा हूं, नहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, राजा नहीं झुकता तो झुकाने वाला कड़ा है, राजा नहीं झुकता तो झुकाने वाला कड़ा है, नहीं है क्या लिखा है ऐसा, कौन सी समस्या, कितना बड़ा 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 बीमारी है, जो भी कुछ भी हो आपको तड़पाने वाली बात, हालेलुया, प्रभु कहते तू उसको परिचय नहीं पाता, तू वापस झुक जाता है, तू वापस डर जाता, लेकिन मैंने आज्ञा दिया है, तू मेरे पग पर उतर, विश्राम का कुछ समय के लिए, यू स्प्रिंग अप, आमेन, तू खड़ा हो जाएगा, तू खुद ही मार कराएगा, पहले से ज्यादा गर्जेगा, यीशु के नाम में आमेन। Every fall will catch up
पॉइंट मी टू ए हायर लेवल हर गिरावट मुझको और ऊंचाई में खड़ा कर देगा। उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिए। राजा वो उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छू, तेरे दृष्टि में वो अभिषिक्त नहीं है लेकिन वो मेरा अभिषिक्त। राजा लोगों को ये बात बताने की क्या जरूरत है, इसलिए कि राजा लोग इतना बड़ा अभिषेक उसमें देखा नहीं। आप लोग मेरे सामने चलो, मैं आज कुछ बात कर रहा वो कोई पास्टर को बोलेगा नहीं, पास्टर को बोलने की हिम्मत भी नहीं होगा और लगेगा कि वचन के विरोध में है। मैं सच्चा सच्चा बात बताता हूं आपको, लेकिन वचन मुझको कहता है तुझमें ऐसा अभिषेक देखे तो लोग झुकेगा ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी अवस्था तुझमें तू भी अभिषेक नहीं देखता, दुनिया भी नहीं देखता, लेकिन जिसके पंखों तले तूने अपने आप को सुरक्षित रखा है, जिस सेना बल के लिए तूने मांगत की है वो हाजिर है, उसने आज्ञा दिया है नहीं है। इसलिए जो राजा नहीं चुपता उसको प्रभु आज्ञा देगा। मैं फेल हो गया ऐसा मैं कहता, मैं इसके ऊपर जय नहीं पाता, मैं उसमें पराजित होता, मैं बार 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 गिरते जाता, इससे मैं कहता क्योंकि वो मेरा बल, मेरा अभिषेक, मेरा वरदान, मेरा विश्वास, मेरा मेरा चाल चलन के ऊपर मैं आश्रय रखता। जब मैं कहता प्रभु आई एम अ टोटल फेलियर बट आई रिफ्यूज टू बी अ फेलियर, मैं पराजित हुआ लेकिन मैं पराजित बनकर रहना नहीं चाहता, नहीं बोलना कि मैं नहीं सुधरूंगा, नहीं बोलना कि आई विल नॉट गेट अप, कभी नहीं बोलना कि मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं पकड़ की तरह हमेशा करते रहता है, इधर मैं सेवा नहीं करेगा मैं किधर भी जाके करूंगा, लेकिन मैं सेवा करूंगा, कोई कुछ भी करे मैं सेवा करूंगा, कोई कुछ भी बोले ये मुंह खुला रखेगा मैं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं परंतु मेरा परमेश्वर भला है। वो वचन बांधता कभी तोड़ता नहीं है, वो वचन देता कभी झूठा नहीं रहता नहीं है। इसीलिए उसने ऐसा राजा वो उसके दिमाग में ये धमकी दे के कहता मेरा अभिषिक्त को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हम आगे बढ़ते हैं, हमें श्रेष्ठ गीत में जाना है, वो टाइम हो गया श्रेष्ठ गीत में। तो सिर्फ पढ़ने के लिए मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने उसके लिए मुझे बोला कि श्रेष्ठ गीत पढ़ते नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ता। मेरी बहन मेरी दुल्हन की वाड़ लगाई हुई बारी के समान किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है, तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटामासी, जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुस्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबालों से बहती हुई धाराएं, हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिण वायु चलिया, मेरी बारी पर बह जिसे उसकी सुगंध पहले और मेरी प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। हाँ वो 16 तो वधु बोलती है, वो दुल्हन की बात है, मुझे सिर्फ दूल्हा का बात सुनने का था, कोई बात नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं। दूल्हा कहता है किवाड़ लगाई हुई बारी के समान तू है, तू बारी है, बहुत कोमल है नहीं है, सुगंधी है नहीं है, मीठे मीठे फल वाला बारी है, लेकिन मैंने क्या किया है पता है उसको, उसको मैंने क्या लगाया है, किवाड़ लगाया, किवाड़ बंद किया उसे, देयर इज अ प्रोटेक्शन। पिछले दिन हमने सुना यरूशलेम में कोई भीत दिखाई नहीं देता, कोई बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अग्नि कभी दुश्मन को ऐसा लगता है ये खुला पड़ा है, इसके ऊपर चढ़ सकता है, इसका कोई
बाड़े नहीं है, कोई किवाड़ नहीं है, कोई फटक नहीं है, हमें इसको पर आराम से चल समझना कि प्रभु कहते हैं आपके लिए किवाड़ लगा, ये बारी को प्रभु संभालता है। ऐसा मत सोचना कि ये कमजोरी की घड़ी है, ये बेकार आदमी पाप किया है, इसका वैसे गलती हुआ है, चलो चल सकते, कुछ भी बोल सकते, कुछ भी चुरा सकता है, नहीं है। आप बड़े कीर्तिमान है, गिरे हुए इंसान भी प्रभु की दृष्टि में बड़े कीर्तिमान है, झुकी हुई भीत भी प्रभु की दृष्टि में बड़े कीर्तिमान है, हिलने वाले बारे भी प्रभु की दृष्टि में बड़े कीर्तिमान है। लेकिन ये लड़की हमेशा ऐसे सुरक्षित रखा गया, एक पिंजरे में रखा गया, पक्षी की तरह नहीं रहता, हम आगे बढ़कर देखते इसका रूप देखता, उसका स्वरूप देखते है, कैसी दिखती है वो, चेल में आ जाओ। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य है, और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर। अरे पताका फैलाते हुए आगे बढ़ने वाली सेना है, एक अध्याय पर आपको लिखा था कि उसको हिस्सा रखता है, के पहले आपने सुना था कि आप काटे गए कास के ऊपर बरसने वाले कोस समान है, नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन का वो वचन, आप शांति का वक्ता है, आप तसल्ली देने वाला है, आप प्यार की नदी बहाने वाला है, आप दयालु है, लेकिन वही आप कौन है? गर्जने वाले सिंह है। अरे मैं डिस्पेंसरी में था यार, शैतान तुमको क्या लगता मैं क्या लड़ाई छोड़ के गया क्या? मैं डिस्पेंसरी में गया था मलम पट्टी बंधवाने के लिए, मैं आता हूँ चौथा कभी छक्का मारेगा आखे छोट लगा है। मेरे प्रिय भाई और बहना, there is a fear God, हालेलुया, there is an unseen protection, अदृश्य सुरक्षा बल है, चारों ओर से घेर लिया है मैं, लेकिन प्रभु चाहता कि मैं स्वयं लड़ूं। तो प्रभु गर्वित होता मेरा लड़का मेरी लड़की ने लड़कर जीत पाया, लेकिन जब मेरा पैर फिसल तब तो दुश्मन मेरे ऊपर प्रभाव डालने नहीं देता वो, अगर मैं ये बात को पहचाने कबूल करे तो मैं गिरता कैसा, मुझे गलती होता नहीं करके प्रभु के पास। कोई भी कलीसिया में पश्चाताप की आत्मा आए तो वो कलीसिया अति ऊंचाई में उड़ाया जाए। पिछले दिन ये सीखने का प्रयास किया, दुनिया में किधर 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 बड़ी जागृति आया, चंगाई के कारण किधर भी जागृति नहीं आया, चिन्ह चमत्कार के कारण किधर भी जागृति नहीं आया, भूत भागने से किधर जागृति नहीं आया, जहां लोग पश्चाताप कर कर सिर मुंह पर बल पर गिर के रोए थे वहां आया जागृति, इतिहास में वो है, इंसान
के जीवन में वही होता, परिवार में वही होगा, कलीसिया में वही होगा, तब जाके पता, तब दोबारा आप दुश्मन को कुचलेगा। आमेन। पताका के साथ झंडा उठाते हुए आगे बढ़ने वाली सेना तरफ दुल्हन दिखाई देगी। हालेलुया। वो प्रभु की सपना है दोबारा। आमेन। अब आगे बढ़ते हैं, अमिशिया में आता थोड़ा सा लंबा। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहर पनाह और गढ़ को नियुक्त करता है, फाटकों को खोलो की सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। दोबारा ये गीत सुनाई देगा वहाँ, हमारा एक दृढ़ शहर है, ये शहर दोबारा दृढ़ बनाया जाएगा। हालेलुया। नहीं है, एक एक गीत दोबारा सुन ले, हमारा दृढ़ नगरी है, उद्धार का काम देने के लिए उसकी शहर पर ना और घड़े को नियुक्त करता है, नहीं पांडवों को खोलो की सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति। ये कौन सी जाति है? ये मैं हूँ, गिरा हुआ इंसान, कराठिया गया, अभी मैं धर्मी गिरा गया। ये दरवाजा खोलो ना, नहीं तो बोलेगा ये कब से इतना बड़ा पागल बन गया, पहले छोटा पागल था, अभी बड़ा पागल बन गया, बोलिए ना बंद है इसके लिए खोल। अरे मेरे सामने बंद पड़ा है, परमेश्वर गरजता है। हालेलुया। ये घुटने से उठते ही दरवाजा खोल, धर्मी है, पराक्रमी राज देता है, सॉरी पराक्रमी योद्धा है, सही है, उसके लिए द्वार खोल, प्रवेश होने दे। नहीं है, भड़कता था, खोया गया था, गिर चुका था, गिर पड़ा था, नहीं है, अब खोल दे, यहो पर सदा भरोसा रख, नहीं प्रभु हो वह सनातन चट्टान है, ऊंचे सदा गिरते हो तुम्हें। हाँ मैं गलती हो गया, पीछे हट गया, डर गया, तभी भी भरोसा प्रभु पर है, क्योंकि सेना तैयार है, सेना तैयार है, नहीं है। वो ऊंचे पद वाले को देखो, वो झुका देता, जो झुकता नहीं है उसको वो झुका देता। हमने कहा कि वे झुकेंगे, कुछ लोग इसलिए नहीं झुकते, आप में उसने इतना सामर्थ्य नहीं देखा। मैंने बचपन से एक उपाय ढूंढ के रखा है, अगर कोई भी मुझको तुच्छ जानता तो अपने आप को बताने का, तुझ में है क्या, तो आप शांत हो जाए, मुझ में कुछ भी नहीं है, क्यों आप मेरा आदर कर, मुझ में कुछ है क्या, मैं इधर आके कुछ चमत्कार नहीं किया है, मैं इधर आके कुछ अभिषेक के कोई चिन्ह दिखाया, इधर कुछ नहीं दिखाया है ना, आप क्यों मेरा आदर कर। दुश्मन ने कुछ देखा नहीं है इसलिए झुकते नहीं। एक महान दास आएगा तो आप लोग ऐसे बैठेगा, अरे क्या वो महान है, इसलिए ऐसा, इसलिए झुकता नहीं है। तो एक पीछे से आकर कहते, ये कौन समझा तू, अरे बेचारा आपको ऐसे झुकाने का नहीं है। कुछ लोगों को देखेगा तो पता नहीं चलता कि साहब है। तो एक बार ऐसा हुआ कि बिजू करके मेरे ड्राइवर था, अच्छा था, तो उसके साथ में किधर तो क्या मतलब याद नहीं आते कौन सा उसमें गया, तो मैं पीछे उतर के कर रहा ऐसे ऐसे, तेरा सांप को बुलाओ था कोई मैनेजर का लड़का, हम मैनेजर का मैनेजर का मैनेजर का बाप है, मैनेजर को दिखता नहीं था, मैं क्या करूँ, दिखता नहीं पालू जाने के लिए मेरे पास पैसा किधर, समय कहाँ है, तो मैंने हंसी मजाक किया, मैं बोला साहब किसको बिजू
क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब, तो ये देखते हैं क्या हुआ साहब। पीजी ने उसको समझाया, ये हमारे एमडी साहब है, ये प्रभु करता तुमने देखा नहीं कुछ, इसलिए वो झुकता नहीं था, पीछे से कंगन तो भाग कर रहे। अरे सारे नौकर वो हंसते, ये टीचर आता, फटा हुआ कपड़ा है, महीना है पूरा, पानी इतना तक है, ऐसा आता डर डर के आता, सब लोग ऐसे हंसते, कैसे हंसते हुए बोल गया ऐसा करके कुछ मैं तो भूल गया, मैं करता था उसे भूल गया, आदत नहीं ना अभी ऐसे सब करने का, ऐसे सब करता इधर आ, इसका कमरा लिया जूता तो मेरा पॉलिश कर पहना उसको, यही है वो, यही है वो बात। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जो झुकता ने उसे झुका देता, जो नगर के ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता, उसको भूमि पर गिरा कर मिट्टी में मिला देता, वो पांवों से मरे दरिद्रों के पैरों से रौंदा चाहेगा। हाँ, किसका पैरों से भाई, मिखाएल का, मिखाएल का, मिखाएल का है, मैं दरिद्र हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं गिरा हुआ इंसान है, इसके कारण दुश्मन नहीं चुकता, हमें लोग मानता नहीं है, प्रभु कहते मैं उनको चुकाऊंगा, अब तो तू रौंद तेरे से तुझसे ही रौंद आएगा, भजन में कहते तू ही कुछ लेगा, नहीं है वो की रीति है, अब गिर पड़े नहीं रहता। हे परमेश्वर तेरे नीचे भाग में दुश्मन पैर रख के सही है, लेकिन प्रभु कहते सेना बल है, पीछे सुरक्षा की तैयारी किया गया है, हम आगे बढ़ते हैं, वहां से वहां आगे बढ़ते हैं, वो पूरा पढ़ा नहीं ना हमने, नहीं पढ़ा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, जो सच्चाई है यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बात जोते आए हैं, देखा यही बात है, जब हम उसके नाम बात जोते आते हैं। दो तीन दिन के बाद मुझे पता चला कुछ राजा लोग मेरे सामने नहीं झुकता, कुछ उन चालाकी से अंदर आए हैं, कुछ लोग मुझे डराते हैं, बोझ से दबे हुए इंसान में हो, बहुत ज्यादा बोझ, बहुत ज्यादा संकट, बहुत ज्यादा नाराजगी मेरे जीवन में घुस कर आता, द्वार की खुशी छीन लिया जाता, द्वार की खुशी छीन लिया जाता, तब प्रभु कहता सुरक्षा बल है। मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु सामने सब प्रोटेक्शन है, मैंने भी सिखाया, मैं भी सीखा, मैं अगर हिम्मत से खड़ा रहूंगा तो मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में विश्वास भी नहीं है, तब क्या होगा? वो कहते हैं आस्क, मांगो, मांगो, सुरक्षा बल को तैयार करके रखो। आपका कंपनी में समझो, ओए सॉरी आग नहीं लगना चाहिए, मेरा कंपनी में आग लगाता हमारा कंपनी में सारी सुरक्षा का सब प्रबंध किया गया, कितना है 2.5 लाख लीटर पानी हमेशा उधर है, स्टॉक है, और उसके लिए अलग टाइप का पंप है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, उसमें डीजल डालो तो डीजल भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, आग लगा चलाया डीजल पंप चला 2.5 लाख लीटर पानी ढूंढ गया कुछ नहीं, तभी क्या करता है फोन करो, फोन करो, फोन करो, 15 फायर इंजन आया, 15 फायर इंजन फोन करो, प्रभु कहते हैं फोन करो, हालेलुया, फोन करो, फोन करो, फोन करो, फोन करो, घुटने में आ, फोन करो, हमें रुपए घर पर गिर, फोन करो, हमें पश्चाताप कर, फोन करो, दोबारा खड़ा किया जाएगा ज्यादा मजबूती से, ज्यादा
मजबूती से खड़ा किया जाए। आगे बढ़ते हैं, हम 52 का एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। ये वचन उन्होंने मुझको दिया, वो वचन से मैं बहुत खुश हुआ। मेरे जैसे बलहीन आदमी प्रभु से सुनता नहीं है, मुझको सिर्फ वचन मिलता, जब मेरे लिए एक वचन काफी है। मैंने जैसा कहा प्रभु मेरे पीछे की सुरक्षा का प्रबंध तो नहीं है, आगे में सामना करने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है। प्रभु कहते किसने कहा, प्रभु का वचन कहते किसने कहा, आमेन। मैं सिर्फ अगुवाई देने वाला नहीं है, मैं पीछे से क्या है सुरक्षा करने वाले सेना में हो। किसने कहा हमें, मलयालम में कह सकता, हिंदी में बोलने को मुझे आता नहीं। मेरी माँ हमेशा कहती है ज्ञान चांद कड़क तो मलमल कांटवन वलिंज रह रहा, मलयालम में कहते हैं कि मैं ऐसे गिरा हुआ चांद नहीं है कि आप दौड़ के आगे चल सकते। जो हम करा किया नहीं, पीछे से सुरक्षा है। मैंने संडे स्कूल में गलत सिखाया, संडे स्कूल टीचर लोगों ने मुझको भी गलत सिखाया। गलत नहीं है, सही है, आधा सही है, अर्थ सत्य है, अर्थ सत्य है। Heaven will not helplessly watch me being stabbed from behind. पीछे से कोई चाकू चलाता है, स्वर्ग निसहाय देखकर बैठकर देख के नहीं करा रहेगा। वन पुकार, एक पुकार, एक चिल्लाहट, एक बिनती नहीं है, सुरक्षा है। मेरे जैसे बलहीन आदमी ये सुनकर खुश होगा, मुझे पता है माय बैक इज नॉट एक्सपोज्ड टू रबाना मामा मासी, बैक इज नॉट एक्सपोज्ड, इधर नहीं बोलना, सारे टेलर लोग का काम बंद हो जाएगा। तो मैं बोलते आपकी रीति से बोलता है, आपकी रीति से बोलता है, My back is not exposed, protected. Hallelujah. इसलिए विश्वासी जीवन या मसीही जीवन मैं जय के साथ खत्म करूंगा। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बचपन से कहता, कितना भी गिरे, कितना भी कुछ भी हो जाए, उम्मीद है, विश्वास है। Hallelujah. मैं यीशु समान बनूंगा, मैं यीशु समान बनूंगा, आप बनोगे, यीशु समान बनोगे। हालेलुया, गिरपड़ा होगा, गलती हुआ होगा, हालेलुया, इट्स ऑल अबाउट अ सिंसियर रिपेंटेंस। यो बदल जाता, एक सच्चा पश्चाताप पूरे जीवन को बदलता, वातावरण को बदलता है, मालूम पड़ता है। हाँ, क्या बोलते उसका, चौवन, हाँ चौवन, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। इतना ही है भाई, ये सब क्षण भर की बात है, क्षण भर की बात है। खुद उपाय ढूंढते हैं, इसी में हम बस जाता है, छोड़ दे आंखें गिर। हालेलुया, प्रभु के पैरों में गिरना है। प्रभु कहते बेटे एक क्षण के लिए था, ये थोड़ा समय के लिए था, हालेलुया, मैं दोबारा अधिक प्रेम से। अभी एक बहुत बेकार एक उदाहरण, बहुत बेकार उदाहरण, क्यों आज भूल, बिल्कुल बेकार उदाहरण आता। हमारी एक आंटी, बचपन की कहानी है कि उसकी झगड़ा हो गया पति के साथ। आप लोग जैसे नहीं है, आप लोग कभी झगड़ते नहीं है ना, वो इतना खूब झगड़ा हुआ, इतना खूब झगड़ा हुआ, वो पति ने उसको उसके घर में छोड़ दिया। अच्छा हुआ घर में छोड़ा, काट के टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया, अच्छा हुआ उसके पास अच्छा चाकू नहीं था तो उसको घर में छोड़ा। तो मेरी माँ सब उसमें बड़ा मध्यस्थ बन गया, कुछ महीने के बाद उसको लेके गया, वो प्यार से लेके गया। कुछ समय के बाद में बहुत छोटा लड़का है, लेकिन छोटा लड़का लेकिन कान बड़ा, तो ये आके बोलते हैं मेरी चेची
ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെ തല്ലി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാ. എന്താ ഒരു സ്നേഹം, ഇതുപോലൊരു സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ज्यादा प्यारा है क्योंकि उसका लगता है उसका दिल को दुखाया है, इसके दिल को चोट लगा है. गलती उसका ही है, गलती उसका ही है, लेकिन चोट तो लगा है नहीं है. ज्यादा प्यार करूंगा मैं, ज्यादा दया दिखाऊंगा मैं, ज्यादा समझ दूंगा मैं. प्रभु की रीति है पीछे से सुरक्षा. आमेन. अंधकार में सुरक्षा है. हम आगे बढ़ते हैं मत्ती में आता. मुझे पूरा नहीं पढ़ने को दिया ना मैंने, नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे. या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को न बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा. जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है. प्रभु के साथ रहोगे, उसका विरोध न करोगे तो बलवंत को वो पीछे से बांध के रखेगा, तो लूटोगे. लेकिन प्रभु के संग बने रहना अवश्य. जो मेरे साथ है वो बटोरता है, और जो विरोध करता वो बिखेरता. यही बात है. परमेश्वर की कृपा को मैं नष्ट कर देता, उसके सारे प्रोविजंस को मैं नष्ट कर देता, क्योंकि मैं प्रभु के संग नहीं चलता, प्रभु के संग नहीं चलता. जब प्रभु बोलता कि आगे एक कदम भी मत रखो, उसको कभी पूछना नहीं क्यों रखेगा, तो क्या होगा नहीं पूछना. नहीं रखता है. जो मेरे संग रहता वो बटोरता है, अधिक आशीष बटोरता, अधिक कृपा बटोरता, अधिक अभिषेक बटोरता. जो सवाल करता जो है उसको भी वो नष्ट कर देता, तितर बितर करता. जब मैं प्रभु के संग खड़ा रहने के लिए तैयार हो जाता, वो बलवंत जो मेरा दुश्मन है ना, उसको पीछे से पकड़ के रखेगा, वो बांध के रखेगा, मैं लूटेगा. दुश्मन मेरा घर नहीं लूटना, मैं दुश्मन का घर लूटूंगा. नया नियम में आते तो अपनी रीति से समझाता, सिर्फ झुकाने वाली बात नहीं है, चोरी करो. अबे लूट ले, लूट ले, दुश्मन को लूट ले. उसका संपत्ति लूटना, उसका आदमी मेरा पेड़ को लेके जाएगा नहीं. अबे उसका दुश्मन को मैं मेरा पैर का ठीक कर देगा, और खींच के उसका चावड़ी से लोगों को बाहर निकालेगा. ये डिफेंस नहीं है, ये अटैक है, ये आक्रमण है. कैसे कर सकता बलवंत को कोई बांध के रखे? आज्ञा दी गई है, आज्ञा दी गई है, आज्ञा दी गई है. बोलते दिस इज टू मच फॉर मी, आई कांट बेयर, दिस इज टू मच दैट आई कैन नॉट ओवरकम. किसने कहा तू परमेश्वर का विरोध करते ऐसा कहकर? परमेश्वर के विरोध करने वाला क्या करता? बिखराता. जो साथ रहता वो बटोरता. अधिक कृपा, अधिक करुणा, अधिक सामर्थ, अधिक बल, अधिक प्रेम को बटोरता. हमारे बढ़ता पचौदा में आता बोल रहा पचौड़ा पढ़ो. तो उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए,
तब वह लोगों को विदा करे। बस हो गया, इतना ही बस हो गया। कहानी आप जानते हैं, प्रभु ने निर्बंधित किया 13 लोगों को, तुम लोग अकेले में जाओ। प्रभु ये करता, इसलिए तो प्रभु पिछले इतवार को वचन सुनाया, तुम अकेले काफी है। आज प्रभात में मैंने ये वाक्य को पढ़ा, वहां बहुत सुंदर बात लिखा, मैं बहुत खुश हुआ। बहुत ज्यादा तूफान था, गंभीर तूफान था, लहरें ऐसे गरजते थे, लेकिन वहां एक सुंदर बात लिखा है, वो लोग बहुत दूर हो चुके थे। नहीं लिखा है क्या आपका वचन में? बहुत आगे निकल चुके थे। मैं आज वो बात पढ़ा, उसको उसके बाद आपको पता चल, उससे आपको पता चलता मैं कितना अच्छे से वचन पढ़ता, मैं इतना ध्यान से नहीं पढ़ा। I had made huge progress. नहीं लिखा, नहीं तो पढ़ोगे? नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा। प्रकाश कोई वचन नहीं है, नहीं लिखा, नहीं लिखा। आप उसको पढ़ने, नहीं नहीं उसको उसको पढ़ने, पढ़ दे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। ये लोग झील के आधा दूर तो पार किया था भाई, ऐसा नहीं ये लोग कुछ नहीं कर पाया। अरे आधा पार किया तो बहुत आसान है यार, और आधा हो सकता था, लेकिन पीछे सुरक्षा बल तैयार है। निर्बंधित करके सीता गया उपाय करने के लिए, बनाने के लिए पर्वत पर है। दोनिया को मैदान में उतारते, पीछे वो खड़ा है, उसका प्रार्थना है, उसके पीछे वही है, नहीं है क्या? अमर कैसे तुम आगे बढ़ सकता है? इतने आंधी है, इतने इतने गर्जने वाली लहरें हैं, तूफान है, कैसे आगे बढ़ सकते है? वहां भी छुई करता है कोई, प्रार्थना करता है कोई, बलवंत को पीछे से पकड़ कर बैठा है। आप उस किनारे पे जा सकता था, लेकिन जब पता चला ये विश्वास खोते, अगर ये विश्वास नहीं होते तो वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसको देखकर वो लोग पीछे आता, नहीं तो तैर के पीछे आता, छोड़ देता। प्रभु नहीं चाहता कि आप पराजित होकर बने रहे, बने रहे, बने रहे। आमेन। बैल दिया, आधे रास्ता पार हो गया ना। हमारे बचपन में हमारी परीक्षा कैसे हुआ करते था मालूम है? स्कूल में अभी सब सब सारे चीज बिगड़ गया, तो वो जमाने में मंडे से एग्जाम शुरू होता है और ये शनिचार को खत्म होता है। एक हफ्ता में परीक्षा खत्म, 6 पेपर, बहुत आसान है भाई। तो मैं हर दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ के होता है मंडे, अरे वो दिन बाकी है, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अरे हो गया मेरे लिए परीक्षा खत्म। क्योंकि जितना दिन में ईएसआई लिया उतना भी नहीं है ना, उसको काउंटडाउन बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता, बड़ा क्रिटिकल दिन है बुधवार, वो पार हो गया, आधा हो गया ना, टक टक करके परीक्षा खत्म हो जाता है, इतना ही है। अगर फिर भी मैं विश्वास में कमजोर हो जाता हूँ, चल क्या रहा हूँ, नहीं है क्या? ऐसी अवस्था में भी अगर मैं आधा पल के लिए हिम्मत करे उसके सहारे पर, अबे इसको डिफाई करने के लिए, उसको उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है, मैं लहरों के ऊपर चलूंगा, मैं फिर भी चलूंगा, मैं फिर भी चलूंगा। अबे अब रिकॉर्ड हो लेगा भूदार, मुझे लगता माफ करो प्रभु, ये सब मेरी कल्पना है, मुझे लगता है ये भूत को देख के डर के मारे ये लोग जोर से जोर से जोर से ना चलाया, मुझे लगता है ये भूत से बचने
ये आप में ताकत है, आप में अभिषेक है, जग गया, हिल गया, हमें डर गया, कोई बात नहीं है, हमें बलवंत को पकड़ के रखने वाला आ रहा है, हमें वही शैतान जिसने आपको डराया, आपके विश्वास को चुरा लिया, उसके सिर पे पैर रखकर उसको कुचलते हुए पतरस चला, पतरस चला, पतरस चला, पतरस एक दो कदम नहीं रखा, जैसे सर स्कूल टीचर कहते हैं, तुम्हें लिखा है कि एक दो कदम रखा, अरे पतरस चलते रहा, यीशु भी चलते रहा, नाव आगे बढ़ते रहा, इसलिए किनारे पे पहुंचा, बढ़ना बढ़ना बढ़ना, पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, यह अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। छोड़ो, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इतना ही बात, हवा थम गई नहीं, भागे पड़ना। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। अरे इधर नहीं लिखा यार, दूसरे जगह पे ऐसा लिखा है, लगते इधर एक ड्रामा खेलने वाला था, अभी वो खत्म हो, ये पटाखा है ना, जब गिला हो जाते तो क्या जोर से आया था, दूसरा जगह पे चलने लगा भाई, चलने लगा। अभी थोड़ा सा ड्रामा, ये लोग मुझको ड्रामा में नहीं लेता है, तो मैं खुद इधर ड्रामा खेलता है। पतरस, ये लोग ऐसे बहुत परिश्रम करके थक रहा है, पतरस भी उसमें था, यीशु ऐसे ऐसे सर उठाते हुए अबे बड़े हिम्मत से चलता। पतरस कहता है, अरे मेरे पीछे आ, ए नाव लेके मेरे पीछे आ, अबे यही आंधी के बीच में, यही लहरों के सर पे पैर रख के मैं चलता, सबसे ज्यादा डरने वाला होगा, सबसे ज्यादा हिलने वाला आदमी होगा, ठहरने वाला आदमी होगा, लेकिन यीशु कहते आ, जो उसके संग बने रहता वो बटोरता है ताकत, सामर्थ्य, हिम्मत, बटोर के आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं, कहां जाना हमें, लुका 10 में भी जाना है। जाओ देखो घर में भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। क्या यार, क्या भेजते हो, भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान क्यों भेजता है, भेजना तो सिंह के समान भेजो ना, नया नियम में आते तो बात आत्मिक रीति से प्रभु समझाता, ये बड़ा हिम्मत वाला इसे हो चिल्लाने वाला सब नहीं है, मुझे दुख हुआ शैतान के सामने तो चिल्लाना क्यों पड़ता, कोई जरूरत नहीं, देख के डरना, देख के हिलना है, या कहते भेड़ियों के बीच में मैं, लेकिन बुद्धिमान बने रहना, वहां लिखा होगा, नहीं लिखा तो मैं लिखवाता, बुद्धिमानी से चल, भेड़ जरूर लेकिन जान लेना कौन साथ में है, और बुद्धिमान किसके लिए बनना, दुश्मन की चालाकी को जानने के लिए। यह मैं बड़ी दुख से आपसे कहता हूं, मैं पराजित इसलिए नहीं होता कि अभिषेक की कमी है, मेरे जीवन में इतना नष्ट और कष्ट और क्लेश इसलिए नहीं होता कि मुझे वरदान नहीं है, मैं दुश्मन का चालाकी को नहीं पहचानता, ये बारंबार 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 प्रभु मुझे सिखाना चाहता, उसके वचन के द्वारा जो बुद्धिमानी से चलता वह पेड़ समान रहे तो भी पेड़ियों को फाड़ देगा,
नहीं तो ये बेड़िया हमें फाड़ते हैं। चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं कल एक बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं एक व्यक्ति को ऐसा बोले, ए शैतान चुप मुंह बंद। आप मैं किसी को बोलता तो फिर ये इधर कलीसिया बंद हो जाता, लेकिन कुछ लोगों को मैं ऐसे कहता शैतान भी कभी बुलाता। आदमी ने उनके व्हाट्सएप किया आधी रात को कि मुझे लगता मेरा मन और मेरा शरीर दोनों पवित्र बन गया, कभी मैंने इसे महसूस नहीं किया। शैतान बोला उसके कारण नहीं, बुद्धिमानी से दुश्मन को पहचानना अवश्य है। कुछ लोग नम्रता में झुकते हैं, कुछ लोग बोलते धूप और पागल मेरे को तो शैतान बोला, तो शैतान का बाप है नहीं। लोगों ने कहा ना तू बेल से बोल कर लेकर भेड़ की तरह हम भेड़िया के बीच में बेचा जाता, स्वर्ग की बुद्धि देकर बेचता, स्वर्गीय ज्ञान देकर बेचता। ज्ञान से हम जय पाते हैं, यीशु ने ज्ञान के कारण जय पाया, ऐसा वचन में लिखा है वो नहीं है, उसका ज्ञान के कारण उसने अनेकों को धर्मी कराएगा, वचन में लिखा बुद्धिमानी से हमें चलना है, आत्मिक ज्ञान से हमें चलना है। तो बहुत बड़ा हिम्मत स्टाइल सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान से हम विजय प्राप्त करते दुश्मन के ऊपर। हमें लगा कि बड़े बड़े हथियार से है, हम आगे बढ़ते हैं। हम 16 से भी पढ़ते हैं, वही अध्याय में 16 से पढ़ते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। यानी एक लोग नहीं समझता, यानी एक लोग नहीं समझता। ये प्रेरित लोगों को कहता है, वो सब बड़े परफेक्ट लोग है उसके कारण नहीं है। बोलो सब परफेक्ट लोग थे, लेकिन प्रभु कहते हैं जो तेरा सुनता वो मेरा सुनता, जो नहीं सुनता वो मेरा शब्द को इनकार करता। अभी आपको पता चलेगा जो मेरे संग चलता वो कठोर था, जो विरोध करता कैसे विरोध करता। तुम्हारा जो नहीं सुनता वो मेरा विरोध करता और वो सब चीज को इकरा दे। हम वचन के सामने झुकते हैं, वचन के सामने हम झुकते हैं, वचन के सामने हम थरथराते हैं। दस का कोमा है उधर, वो उधर से दिखाई नहीं देगा, चश्मा बदलेगा तभी दिखाई नहीं देगा, वो इतना दूर में एक कोमा है तो दिखाई नहीं देगा। तो वो चश्मा वो बदलने भी जाएगा, मेरा खर्चा है ना। अक्कर से काम ने अभी उसमें लिखा है अक्कर से। प्रभु प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं? एक अच्छे इंसान होता तो मैं इसको ऊपर भाषण देता, आपको सिखाता, फिर भी मैं नहीं बोलता तो मैं पाप करता, इसलिए कहता जो तुम्हारा सुनता वो मेरा सुनता। इसलिए वो लड़का ने मेरा सुन के लिया, उल्टा नहीं बोला, जो सुनता मेरा सुनता। शर्म लगता मुझको ये बोलते हुए कि मेरे जैसे इंसान कैसे ये बोल सकता कि मेरा सुनता प्रभु का सुनता। इसलिए मैं बेशर्म होकर इसलिए कहता कि अगर मैं प्रभु की ओर से खड़ा किया गया इंसान है तो जो मेरा सुनता वो प्रभु का सुनता। इसलिए मैं मेरा सुनता, इसलिए मैं मेरा सुनता। मेरे मुंह से अगर प्रभु बात करता, प्रभु का वचन बात करता तो मैं सुनता।
और मैं थप थपा था। प्रभु खिंचका तेरा शब्द मेरा शब्द है, इसलिए भेड़िया को झुकना पड़ेगा। तो भेड़ है लेकिन तेरा मुंह में मेरा तलवार है, काफी है। तुम्हें भेड़िया बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे दुख होता। मैं क्यों चिल्लाता, मैं क्यों झगड़ता, कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप सुन लेना है, चुपचाप सह लेना है, चुपचाप मानना है, क्योंकि प्रभु कहता तेरा मुंह का शब्द मेरा शब्द है, जो उसको सुनता वो मेरा सुनता वो बटोरता, जो निराधार करता जो उसको इनकार करता वो इनकार। हम आगे बढ़ते हैं, हमें फीसी में आता चतुर्थ अध्याय में आता। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो, प्रभु कहते ये संभव है, ये संभव है। हथियार नहीं बांधेगा, 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 लेकिन जब पराजित होने को आता, जब झुक जाता, जब हिम्मत हारता, तो प्रभु कहते पीछे से सुरक्षा बनती है। प्रभु के चाहती ये नहीं है कि मुझे हमेशा सुरक्षा बल की सहायता भेज दे, प्रभु नहीं चाहता। मैं चाहता मेरा लड़का खुद अभ्यास करे और खुद खड़े हो जाए परीक्षा में, मेरा परीक्षा के दिन देर रात को उसके साथ वर्क किए। प्रभु की कृपा से मैं दोनों को नहीं पढ़ाया, एक दिन भी नहीं, एक दिन पढ़ाया, मारा मारा मारा, बहुत मारा, लकड़ा टूटने को आया तो मुझे लगा कि बस हो गया। दोनों के एक एक दिन मैं सीखा, लड़का इतना मार नहीं खाया, लड़की ने बहुत, अरे कही नहीं, बहुत बार कही, बहुत बार कही, हाथ जोड़ के बोला पापा मुझको सिखाना बंद करोगे प्लीज, बोला नहीं सीखा मैं फेल हो गया चलेगा, मुझे मार नहीं मिला चलेगा, क्योंकि मैं रोता, वो तब रोता है, मैं बच्चों को मारेगा तो मैं बहुत रोता, ये भी एक मेरा दूसरी तो मैं रोता भी है मारता भी है, तो नहीं दोनों बंद करो भाई, मैं नहीं चाहता। मेरा पिताजी चाहता कि मैं खुद अपने पैरों में खड़े हो जाऊं, खुद मेहनत करे, खुद जीवन को आगे बढ़ाए, तो मेरा परमेश्वर मेरा पिताजी गर्वित होता, मेरा पिताजी गर्वित होता। पिताजी ये चाहता कि लड़का थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पिताजी का काम भी ये करे, जो पिताजी का गर्व है। हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया तो पिताजी सब कुछ हमको पूछता, ये क्या करना है, ये करना सही है क्या, इनको पूछता नहीं है, भले हम पूछ देते ना। इसलिए प्रभु कहते तू मेरा हथियार है, इसलिए मैं कहता मैं तेरे लिए डाल है, मेरा डाल तेरे लिए है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये प्रभु का चाहत है। लेकिन उसमें मैं पराजित होता तो भी मैं सदा के लिए तिरस्कार नहीं किया जाता, इनकार नहीं किया जाता, ये प्रभु का वचन कहता है। हम बांध के खड़े हो जाएंगे, आमीन। ये सुरक्षा बल आकर हमें खड़ा करता तो पहले के जैसा उसके हाथों में ऐसे लेटे रहे हुए नहीं, आगे बढ़ेगा, कुछ देगा नहीं है, अधिक बल से, अधिक सामर्थ्य से, अधिक हिम्मत से, यू विल एक्सपीरियंस द रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान का सामर्थ्य को अपनाओगे और सब कुछ खत्म करके हम खड़े हो जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत सारे लोग सह लेते हैं लेकिन उसमें खत्म हो जाता है, प्रभु ऐसा नहीं चाहता, प्रभु हमारे विषय में ऐसा नहीं चाहता। अभी मैं सब छोड़ दिया है, अभी मैं देखो सब में पराजित हुआ, बेकार है,
ठीक है यार सह लेगा, जीवन पर रोके बया अरे बेवकूफ तेरा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है पता है क्या, कैसी परमेश्वर है पता है आपको, उसकी निंदा करने वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूं लोग कुछ भी करो, कुछ भी तकलीफ दो या कुछ भी गाली दो, कुछ भी करो, मैं चिल्लाऊंगा जिसने मुझको बुलाया है वो भरोसमय है। मुझमें जो आग है उसको आप नहीं बुझा सकेगा, आप में जो अग्नि है उसको कोई बुझा नहीं सकता, शैतान नहीं बुझा सकता, आप नहीं कर सकता, मैं स्वयं नहीं करूंगा। प्रभु कहते सब कुछ करने के बाद खड़े हो जाओ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ ना, ये दृश्य मेरे सामने बार बार आता, हर रोज कभी कभी हर रोज भी आते ये दृश्य। उसका शरीर को हम लोग लेके गया हॉस्पिटल में, सब लोग बोला अरे सर्टिफिकेट मांगते हैं उसको लेके जाओ, हमें पता था वो लोग आके देखा कदम वो लोग बोलेगा तो सही है ना। तो वहाँ के बड़ा प्रधान डॉक्टर भी वहाँ खड़ा था, स्टीफन डॉक्टर खड़ा था। मैं इसके बाद मैं सोचा नहीं इतने सारे लोग सुनते हैं, मैंने उसको सैल्यूट मारा, डेड बॉडी है उनको बोले ए वीर शूर पराक्रमी जा प्रतिफल पाने के लिए तू उड़ के आएगा। आई सेड यू माइटी मैन ऑफ गॉड गो, यू कम बैक टू रिसीव योर रिवॉर्ड, ऐसा करके मैंने उसको भेज दिया। डॉक्टर स्टीफन ने उससे दिख रहा है, उसको लगा कि मुझको कुछ हो गया, मुझको इसे के संभाल मैं संभालने वाली बात नहीं है, यह मैं सैल्यूट मारता हूं उसको, सब कुछ खत्म करके खड़े हो जाओगे, यू विल नॉट बी नर्सिंग योर वुंड्स। पिछले दिन मैंने कविता लिखा, तीन चार दिन पहले मैंने बोला कि मैं मेरा ये सब गांव बांध के इधर बैठने वाला नहीं है, आई एम नॉट हियर टू नर्स माई वुंड्स। ओ अंग्रेज लोग ऐसे कहते हैं नर्स योर वुंड्स, कूल योर हील्स, भागे में लिखा आई एम नॉट हियर टू कूल माय हील्स, मतलब दौड़ के परिश्रम करके आएगा तो थोड़ा आराम करते हैं ना पैरों को जरा आराम, ये सब के लिए नहीं है मैं, आई एम ए सोल्जर, हालेलुया, मैं योद्धा हूँ, मैं योद्धा हूँ, चोट लगे तो भी लड़ूंगा, हमें गिर पड़े तो भी लड़ूंगा। तो दुनिया में उसके लिए बुलाया, खड़े हो जाएंगे, कितने बार गए इधर एक भी मनुष्य नहीं बैठा, बड़े बड़े यकीन से मैं कहता एक भी मनुष्य इधर नहीं बैठा जिन्होंने जिस जो मुझसे अधिक ज्यादा गिर पड़ा। सही है क्या हिंदी, हिंदी सही है, हिंदी सही है, हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ हो जाते कभी कभी, मुझसे ज्यादा बार गिरा हुआ एक भी इंसान यहां नहीं बैठा है, आप मान लो उससे ज्यादा पाप किया हुआ एक भी इंसान या जगत में नहीं मिलेगा आपको ढूंढ कर भी। लेकिन मैं कहता मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु कहता मैं तुझे खड़ा रखूंगा, ये प्रभु का चैलेंज है, शैतान के मुंह पे देकर प्रभु का चैलेंज है, मैं अगर ये पत्ता को खड़ा कर सकता तो किसको नहीं कर सकता, आओड़ा माना मामा मामा कर ये प्रभु करके दिखाएगा दुनिया के सामने, ऐसा नीच इंसान को ऐसे निकृष्ट दिव्यक्ति को अगर मैं कड़ा कर सकता तो और किसको नहीं कर सकता। हालेलुया तू कड़ा रहोगे सब कुछ समाप्त करके रख खड़े रहोगे, हम आते हैं आपको मैं आता सिर्फ पढ़ के छोड़ देना वर्षन नहीं इसको पर। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अरे शैतान नहीं भागते तो परमेश्वर का हाथ का कीन हो जाओ वो भागेगा। बहुत आसान बात है, परमेश्वर का हाथ के अधीन हो जाओ ना भाई, यही हमें करना है, अर्थात हम पराजित हुआ भाई लेकिन यू टेक ओवर, यही बात है, हमसे नहीं होता तू ले ले। मैं खुद करा नहीं रह सकता, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पाता, मैं इसे बोलता भूत के बारे में सोचते वो सब चोरी वो सब चीज नहीं है, गंभीर बात कहो यार,
ये अपनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, पूछ भी पूछ सब सब हमारा विषय नहीं है। ये ऐसे हमारे खुशी छीनने वाला, हमारे संतानों को चुराने वाला, हमारे परिवारों को बिठाने के लिए प्रयास करने वाला, कलीसिया का सामर्थ्य को चुराने वाला, उधर एक आदमी इधर एक आदमी को भूले भरे दे, कुछ भी होने दे ना, हमको क्या करने का है। हमारे कलीसिया को संभालो, परिवार को संभालो, जो प्रभु के चरणों में आके गिरता है उसके लिए लड़ो। तब मैं सोचू भूदा है तो उस मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि परमेश्वर के संतान दृढ़ता से बने रहे, परमेश्वर के संतान मजबूती से आगे बढ़े। हमारे जीवन देखेगा तो प्रभु इतने नाराज होकर रोता है। ये एक दिन ऐसा कुछ होता है, बाकी ऐसे पड़ा रहता है, तो कुड़कुड़ाते रोता है, क्या जीवन है भाई। प्रभु चाहते बढ़ते आओ, बढ़ते आओ, बढ़ते आओ। हमारी हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, हम है, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है। कुछ लोगों की लड़ाई पति से है, पत्ति से है, उन लोगों को लगता है यही है भूत। अरे हमारी लड़ाई अंधकार की में है भाई, ये सब बेकार की चीज है। प्रभु प्रभु कहता है उसके हाथ का दीप बने रहोगे, हम है दोबारा तुम जयवंत हो जाओगे। नहीं है दुश्मन का, तब दुश्मन का विरोध करो वो अच्छा है, वो भाग जाएगा। हम हमेशा दूसरे को भूत दीप अग्नि की बात कर रहा है, मेरे भीतर के दुश्मन को हटाओ, ये बात है। हो आत्मिक दुश्मन मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में कार्य करता, मेरे कलीसिया में कार्य का काम करता, हटाओ उसके विरोध करो, ऐसा नहीं कहना, उसको विरोध करो वो भाग जाएगा, जीवन बदल जाएगा, कलीसिया बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, हमारे समय बदल जाएगा। पताका लेकर, ये पताका शब्द हिंदी में करके मुझे पता ही नहीं था, ये मलयालम शब्द पताका है, वो संस्कृत वर्ड है, तो मुझे नहीं मालूम पताका हिंदी में भी है। मैं तो झंडा झंडा बोल के घूमता है, झंडा वही है ना, एक चीज है, हम आगे बढ़ते हैं, हम बजा जो ये तो भाई बांट है, सबको सबको भाई बांट, सबको भाई बांट। हाँ ये बात तो तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किसको कहता, किसको कहता, अरे बालकों को कहता, तूने जय पाया है। बालकों ने कैसा जय पाया, इसलिए कि तू परमेश्वर के हो। आमेन। जय पाएगा करके लिखा है, जय पाए हैं। इन बालकों को लिखते हुए पहले लिखता, तुझ में पाप नहीं है ऐसा कहेगा तो तू परमेश्वर को क्या बनाता, परमेश्वर को झूठा साबित करता। अरे उसी में नहीं है यार, आप लोग मेरे सामने चलो ना यार, कुछ नहीं है, आप सिर्फ मेरा साइड लेते बस। अरे पहले अध्याय में आप क्यों है, उसके पहले अध्याय में आ, आखिरी वचन में क्या लिखा है जरा पढ़ो। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। यस, तो ये पाप करते रहे लोग, ये बालक लोग, अरे वही पुस्तक है ना, उसी के लिए लिखा है ना यार। आप लोग मेरे संग नहीं है, बोलते ये लोग जय पाया है, नहीं है ये जय पाया पाप भी किया। अरे वो वचन पूरा पढ़ो ना, फिर पहले पहले अध्याय का पहला अध्याय का पूरा वचन पढ़ो ना, हिम्मत दे दो। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते और उसका वचन हम में नहीं है। और पढ़ो ना उसका, आजकल की कुछ ही नहीं तो उसको पहले क्यों पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करना और हमें यही बात है ना, ये पश्चाताप की बात है ना यार। पश्चाताप करने वाले बालक हो तुमने दुश्मन के ऊपर जय पाया हो। वजन सीखा ना ऐसा सीखा, वजन सीखना ऐसा सीखो, पश्चाताप किए हुए बालक हो, मेरे हाथ के अधीन किए हुए बालक हो, परमेश्वर के प्रेरितों के हाथ के अधीन किए हुए बालक हो। हालेलुया, मेरा वचन सुने हुए और माने हुए बालक हो, तूने दुश्मन के ऊपर जय पाया हो। पाएगा करके नहीं लिखा, पाया है, और आगे बढ़ो। क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार से, संसार में जो है उससे बड़ा है। इसलिए नहीं है कि तू बड़े बलवंत है, इसलिए नहीं है कि तू सबसे पवित्र है, इसलिए नहीं है कि तुझ में सार तरह की बलिदान है, परंतु इसलिए कि जो तुझ में वास करता है वह ये दुनिया के सारे हक
लोगों से, सारे राजा लोगों से, सारे प्रधानियों से, सारे सामर्थ्य से अधिक है। ये कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसका आंखें खोल दे, इसका आंखें खोल दे, तब दिखाई देगा। आगे बढ़, ये सेना है आपके साथ, सेना है भाई, सेना है, पीछे से भी प्रोटेक्शन है, आगे से भी प्रोटेक्शन है, चारों ओर से प्रोटेक्शन है, नीचे से प्रोटेक्शन है, ऊपर से प्रोटेक्शन है, यीशु के नाम में आमेन। आगे, वे संसार के है, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, इसलिए हमारा सुनता नहीं है। वो लोग संसार की रीति से सोचते हैं, अरे वो ऐसा करता, ये ऐसा करता, उसके लिए सही है, उसके लिए भी सही है। अरे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ सही है, वो संसार के लोग है। अमन अमन, जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर को सुनता है, नहीं है वो परमेश्वर का सुनता है। जो तुम्हारा सुनता वो मेरा सुनता है। तो दुश्मन अगर मेरा नहीं सुनता तो परमेश्वर का नहीं सुनता, परमेश्वर पीछे से तबका मार कर उसको मुंह पे गल पर गिरा देगा। प्रभु कहते हैं मैं दबा देगा, मैं बांधूंगा, तब तुम कुछ लोगे, अब कहते सुरक्षा बल तैयार है। आमेन, परमेश्वर की सेना तैयार है। आमेन, दूध लोगों को आज्ञा दी गई है। आमेन, इतना नहीं, दूध लोगों को आज्ञा दी गई है, राजाओं को भी आज्ञा दिया है, ये बंधक के सामने झुकना है। वो कोरे पूछो मत, ये यीशु का वस्त्र कैसा है तुम मत देखो, वो मेरा अभिषिक्त है। वो नहीं छोड़ता, अगर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा तो वो मुझको नहीं छोड़ता। इसलिए वो गाना में हम लोग ऐसा कहा था, मरियम कहता वो नहीं छोड़ेगा, बाद में कहता मैं नहीं छोड़ूंगा, यीशु के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसलिए आराधना करें।